दूध उत्पादन तो कोई भी किसान है अपने से कर लेगा, कर लेता है, लेकिन दूध बेचना जिसके लिए अच्छा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट मिले वो सबसे कठिन। कोई किसान है गांव में कर रहा है, अपने से मेहनत करता है तो उसका चालीस। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के गया जिले में, और गया जिले का सबसे पुराना डेयरी फार्म है ये, मैं समझता हूं को। और इस फार्म का डिटेल्स लेने के पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मैंने जब से इस वीडियो बनाना शुरू किया था तब से ही मैंने ये ठान लिया था कि मैं हर एक झोपड़ी में भी जाऊंगा और हर एक बड़े शेड में भी जाऊंगा, क्योंकि एक आप झोपड़ी से भी जानकारी ले सकते हैं, अच्छी जानकारी ले सकते हैं, एक बड़े शेड से भी जानकारी ले सकते हैं। पुराने से पुराना, नए से नया डेयरी फार्म में मैं जाऊंगा, ये मैंने शुरुआत में ही ठान के रखा था। और हर एक युवा को मन में, हर एक युवा के जुबान पे मैं ऐसा एक आयाम पैदा कर दूंगा कि हर एक युवा इस डेयरी फार्म को करना चाहेगा। और एक सरल भाषा में मैं आपको हर एक वीडियो में समझाने का प्रयास करता हूँ। और इस फार्म को आप, मैं बता दूँ तो 27 सालों से चलाया जा रहा है, काफ़ी बड़ा डेयरी फार्म है, काफ़ी पुराना भी डेयरी फार्म है। तो इसके हमारे पीछे देख पा रहे हैं ये पुराना शेड जो था, इन्होंने शेड इनका नहीं बना था, शेड जो है बनाने की इनको जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि इनकी खुद की एक फैक्ट्री थी जो कि बंद हो चुकी थी, और बंद होने के बाद ये अपने फार्म की शुरुआत इसी में कर दिए थे। तो कैसे डेयरी फार्म की शुरुआत करनी चाहिए, क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, इन 27 सालों के बीच में इनको क्या क्या परेशानियाँ आई है, ये चीज़ हम इस वीडियो में जानेंगे। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको अपडेट मिले। ये आपको एक बछिया का अलग इन्होंने सेट बना करके रखा है। उसके अलावा आप यहाँ से देखें तो गोबर ले जाने के लिए भी इन्होंने गाड़ी रखा हुआ है, साथ में खुले में रखने के लिए काफ़ी बड़ा जगह हर एक में बांस से इन्होंने घेर दिया है, मतलब कि जगह बना दिया है कि किस जगह पे किस तरह की पशुओं को रखना है। गर्मियों के दिनों में ये रात के समय में खुले में छोड़ देते हैं, और ठंड के दिनों में दिन में रख देते हैं। और ये जो गाड़ी है, आपको जितने भी गोबर होती है, हर एक शेड से जितनी भी गोबर निकलती है ये ले आकर के खेत में डाल देते हैं, मतलब जहाँ हरा चारा का उपज होता है, खुद का जमीन लेकर के, लीज पर जमीन लेकर के ये डेयरी फार्म को चला रहे हैं। लीज पर नहीं बोलेंगे, ये इनका खुद का जमीन है, लेकिन हरा चारा का जो उपज होता है वो लीज पर लेकर के उपज करें, हरा चारा बहुत ही ज़रूरी है इनका मानना है। और यहाँ से देखेंगे तो एक ऑफिस छोटा सा स्टाफ के लिए है ये जगह, साथ में तो हम आगे देखेंगे मेन एंट्री है, ये काफ़ी मतलब पुराना बिल्डिंग जैसा है, आपको यहाँ से आपको दिख रहा होगा। और ये हरा चारा की गाड़ी भी आ चुकी है इस समय में, और यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। ये वर्किंग ऑफिस आप हमारे यहाँ से देख पा रहे हैं, वर्किंग ऑफिस यहाँ पे है, हर एक फैसिलिटीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। एक पुराना डेयरी फार्म होने के नाते क्या क्या यहाँ पे हुआ था शुरुआती दौर में, और क्या क्या नहीं हुआ था, ये सब चीज़ हम जानेंगे इस वीडियो में। और ये आपको स्टोर रूम है, तो इतना जगह तो आपको बिल्कुल ही रखना पड़ता है एक डेयरी फार्म, बड़ा डेयरी फार्मर अगर बनेंगे। और एक और खासियत है इस फार्म की कि टोटली लेबर ओरिएंटेड डेयरी फार्म है, लेबर ओरिएंटेड बनेंगे, लेबर से ही चलने वाला है, क्योंकि काफ़ी व्यस्तता कारण होने कारण भी इस डेयरी फार्म को, और मुनाफा तो बिल्कुल है तभी ये 27 सालों से कर रहे हैं, अन्यथा बिना मुनाफा का कोई काम नहीं करेगा। और चाफ कटर मशीन भी है जिससे कि हरा चारा की कटाई होती है। तो आइए मैं ऑनर से बात करता हूँ, पूरी पूरी जानकारी देता हूँ। नमस्कार सर, स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों के लिए आप दे देंगे। मेरा नाम विनीत भदानी है जी, भदानी डेयरी के संचालक हैं जी जी। और ये जितने पशु देख रहे हैं जी बिल्कुल सब तो मेरे सेवा के अंतर्गत आते हैं। एक चीज सर जानना चाहेंगे, शुरुआत कितने पशु से किए थे, कितने दिन पहले आपने किया था? हम 1993 में इस काम को शुरू किए हैं जी, और चार गाय लाए थे, फिर 2-3 महीना बाद फिर चार गाय लाए, ऐसे धीरे धीरे करते 36 गाय हम कर लिए जो मेरे पास जगह आप देख रहे हैं इसमें। तो शुरुआती दौर में मतलब पशु की खरीदारी आप कहाँ से करते थे? वो गया मिलाही से करते थे जी, जी। चौसा से भी किए, हाजीपुर से भी किए, यही सब है। तो एक पंजाब भी जाते थे, पंजाब में ही भी गए हुए हैं आप? पंजाब भी जाते थे, शुरू में पंजाब जाते थे, शुरू में पंजाब जाते थे। हाँ। तो आपको बेहतर मतलब कहाँ का लगा, क्योंकि आप तो इतनी जगह घूम चुके हैं, तो बेहतर आपको कहाँ का लगा और क्यों लगा ये थोड़ा सा बताएंगे? सबसे बेहतर है अपनी बाछी को आप तैयार करके गाय बनाइए। अच्छा, अच्छा। तो क्या इसके लिए आपने कहीं से ट्रेनिंग प्रशिक्षण लिया था या ऐसे ही आपने खोल दिया सर? 15 दिन का ट्रेनिंग लिए थे पटना से जी जी, 1993 ही में, फिर धीरे धीरे करते हुए एक अच्छे पशु चिकित्सक के द्वारा सब देख रेख में जी, जी। ये काम को हम बढ़ते बढ़ाते गए। तो हम जानना चाहते हैं सर, जैसे शुरुआती दौर में परेशानी क्या क्या आपको हुआ था, थोड़ा सा ये भी
बताएंगे? सबसे ज्यादा परेशानी है दूध का रिटेलिंग करवाने में, करने में, शुरुआती में भी ये परेशानी। हाँ हाँ हाँ, आपके पास दूध है, मान लीजिए आप 50 लीटर दूध शुरू में आप उत्पादन कर रहे हैं, जी जी, ग्राहक मिलना क्योंकि खुदरा ग्राहक है वो थोड़ा सा कठिन होता है। जी जी, दूध उत्पादन तो कोई भी किसान है अपने से कर लेगा, कर लेता है, लेकिन दूध बेचना है जिसके लिए अच्छा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट मिले वो सबसे कठिन काम है। आप होटल में दूध दीजिएगा या कहीं दूध दीजिएगा, आज के तारीख में 60 रुपया लीटर भदानी डेयरी का दूध बिक रहा है। आज के तारीख में होटल या कोई भी कोऑपरेटिव को दीजिएगा 35 से 40 रुपया लीटर। जी जी, हाँ, चूंकि मेरा ऑर्गेनाइज डेयरी है, हर काम लेबर से होता है, लेबर कॉस्ट बहुत आता है। कोई किसान है गांव में कर रहा है, अपने से मेहनत करता है, तो उसका 40 रुपया लीटर में भी दूध में पड़ता आ जाएगा। जी जी, हम लोग को नहीं आएगा। आज के दिन प्रति लीटर लेबर कॉस्ट 15 रुपया से ऊपर जाता है, अगर हर तरह का लेबर जो भी इसमें लगा है 15 रुपया से लीटर ऊपर का लेबर कॉस्ट जाता है। जी जी जी। तो क्या शुरुआत में आपने इतनी बड़ी शेड बना दी थी या छोटे से? ये शेड हमारे पिताजी का बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें बल्ब की फैक्ट्री चला करती थी। अच्छा, अच्छा। तो बंद हो गई बल्ब की फैक्ट्री, खाली था, हम देखे जमीन है ही, जमीन कर लिया। तो इसकी हाइट सर कितनी होगी बीच से अगर देखें? इसकी हाइट मैक्सिमम हाइट हमको लगता है 40 फीट होगा। 40 फीट, और उस साइड से सर दोनों साइड से 20 फीट होगा। 20 फीट की हाइट लगभग लगभग। और इस आपके फार्म का मतलब कितना लंबाई चौड़ाई है सर इसका? ये पूरे शेड का या लंबाई चौड़ाई तो 40x80 है। 40x80 हाँ, लेकिन गाय रहती है लगभग 40x50 में। तो 40x50 में कितने पशु का आपका व्यवस्था है? ये 36 पशु। 36 पशु का अभी आपके प्रेजेंट टाइम में 36 पशु। हाँ, हाँ, तो 36 गाय इस शेड में है। अच्छा, तो एक बात आपने जो शुरुआत में हमें बताई थी सर कि अपनी बछिया तैयार करके, लेकिन हमारे यहाँ बिहार में बहुत सारे लोग, एक किसान जो होते हैं बछिया तैयार नहीं करना चाहता है या उसको दूध बहुत कम पिलाता है कि वो बछिया तुरंत मर जाए। आप देखिए हमारे बाछी वाले शेड में। जी जी, इधर जी, चलिए उधर। गर्मी के दिन में रात भर खुले में रहती। अच्छा, है अच्छा। जाड़े के दिन में दिन भर खुले में रहती। तो ये इसका कितना लंबाई चौड़ाई है इस जगह का? ये लंबाई चौड़ाई ये भी 40x80 होगा। 40x80 का ही? हाँ हाँ, लगभग लगभग। और इसमें सारे के सारे पशु आप रखते? हाँ हाँ। अच्छा, और वो बगल वाला शेड आपका जो है बछिया के लिए? हाँ, बछिया के लिए। अच्छा, तो बछिया का जो शेड आपने बना रखा है सर, उसका कितना लंबाई चौड़ाई है? बछिया का शेड 20x80 है। अच्छा, 20x80 का। और शेड का हाइट सर कितना है? ये शेड का हाइट जी जी 12 से 15 फीट होगा। 12 से 15। और ये जो एक नाद से दूसरे नाद के बीच की जो दूरी होगी, ये एक नाद से दूसरे नाद की जो दूरी लगभग 17 से 18 फीट। 17 से 18 फीट। और ये सर नाद का हाइट कितना ले रखा है अपने बच्चियों के लिए? बच्चियों के लिए नाद का हाइट कितना ले रखा है? ये लगभग गायों के नाद से थोड़ा सा कम होता है, याद तो जैसा नहीं कि सर हम लोग थे कि लोग बछिया हमारे यहाँ नहीं तैयार करना चाहते, उसको दूध भी बहुत कम पिलाते हैं। हाँ, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे और क्या करना चाहिए ये भी थोड़ा सा समझाएंगे आप? देखिए, बछिया तो तैयार करना ही चाहिए जी, और दूध भी पिलाना चाहिए, ज्यादा नहीं 3 से 4 महीना दूध अच्छा पिलाना चाहिए, फिर तो खाने लगती है। ये बाछी जी जी, ये कितना उम्र होगा इसका? 1.5 महीना। 1.5 महीने की है जी। और ये और सिर्फ बछिया सब बताएंगे थोड़ा सा? हाँ, ये कौन कौन सा सीमन का आप इस्तेमाल करते ये हैं? ये हम क्रॉस ब्रीड सीमन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, लोकल सीमन ही? हाँ, लोकल क्रॉस ब्रीड सीमन साबरमती आश्रम गौशाला NDDB का और अमूल का, यही सब सीमन है। तो ऊंचे एग्जोटिक लेवल हाई करना बहुत परेशानी का चीज है, वो नहीं करना चाहिए किसानों को। हमारे यहाँ में, हाँ, जहाँ गर्मी 6 महीना की है, उमस है,
वहाँ नहीं करनी चाहिए, वहाँ पे वो बहुत परेशानी है। जितना आप ब्लड लेवल बढ़ाएंगे एग्जोटिक का, जैसे HF जर्सी, तो जाड़े के दिन में तो ठीक रहेगा, गर्मी के दिन में परेशानी होगी। सब 50% ब्लड लेवल की गाय हम रखते हैं। तो हम जानना चाहते हैं बछिया, अभी बछिया की संख्या कितनी है? बछियों की संख्या लगभग 25 होगी, 25 अलग अलग स्टेजेस में है। 6 महीना की भी है, 2 महीना की भी है, साल भर की भी है, 18 महीना की भी है। तो आपको दोनों में मतलब प्रॉफिट गाय खरीदने में लगता है कि बछिया तैयार करने में, और कितना खर्चा लग जाता है? देखिए डायरेक्ट खर्च पर जाएंगे जी तो दिखने में लगे महंगा पड़ रहा है जी, लेकिन आप बाछी तैयार करते हैं आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। इन लोगों की आपके यहाँ तैयार हो रही है, तबीयत खराब नहीं होगी, अच्छे नस्ल का होना चाहिए। पहला बयान में 15 लीटर से ऊपर दूध करती है बाछी। अच्छा, पहला बयान 15 लीटर से ऊपर। हाँ, तो कितने बयान तक आप रखते हैं पशुओं को? हमारे यहाँ चूंकि 36 गाय का जगह ही है, हर साल 12-13 गाय तैयार होती है, तो 12-13 गाय तो हमको हटाना ही है, तो साल में 2-3 गाय मर गई जी जी, और फिर जो है 7-8 गाय हम उसको बेच देते हैं किसानों को, जिसको जरूरत है अपना आके ले जाता है। गोबर सारा जितना भी शेड्स है सबका गोबर इसमें डाला और अगले दिन सुबह ये खेत में जाके गिरा के चला आया। आपके खुद के खेत में ना? हाँ, जहाँ हम हरा चारा उगाते हैं। हरा चारा का 27 सालों से इस डेयरी फार्म को कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी परेशानी का सबब डेयरी फार्म में क्या होता है, ये थोड़ा सा बताएं। देखिए टोटल आपके स्वभाव, आपके किस्मत पर है, लेबर आपके पास हमेशा होने चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ी लेबर का? हाँ, किसान जो कर रहा है उसको तो लेबर का कोई नहीं है, वो अपने से कर रहा है जी, लेकिन हम लोग जैसे प्रोफेशनल डेयरी फार्मर के लिए जहाँ हर काम लेबर से करवाना है, तो थोड़ा आपका लक भी यहाँ काउंट करता है जी जी, कि कैसे आप लेबर को मैनेज करते हैं, ऊपर वाले की क्या मर्जी है, टोटल उन पर है। तो सर अब हम आते हैं आपके फीड मैनेजमेंट पर, आपके पशुओं को आप क्या क्या देते हैं ये थोड़ा सा डिटेल्स में बताएंगे। एकदम बताते हैं, सबसे प्रमुख तो हरा चारा देना है जी जी। अगर हरा चारा आपके पास उपलब्ध नहीं है तो बिहार में साइलेज भी अच्छे मात्रा में मिलता है, बहुत जगह बनने लगा है साइलेज। जितना आप हरा चारा जितना दिन नहीं दे पा रहे हैं उतना दिन आप साइलेज देंगे जी, बहुत जरूरी चीज है। जैसे हमारे पास साल में हम लगभग 3 महीना हरा चारा नहीं दे पाते हैं तो हम साइलेज देते हैं। अच्छा, और कुट्टी या भूसा ये तो देना है, और दाना खल्ली देना है। तो अगर देखेंगे तो कितनी कितनी मात्रा में देते हैं एक पशु को, अगर देखा जाए तो एक पशु को जैसे हरा चारा बात करते हैं, पहले हरा चारा, हरे चारा का बात करते हैं तो 30 किलो देना चाहिए आइडियल है जी। अगर कम है तो उसी अनुपात में आप दाना खल्ली बढ़ाइए। अगर बहुत मात्रा में आपके पास हरा चारा आ रहा है तो दाना खल्ली का मात्रा उसी अनुपात में कम कर दीजिए। तो उसके बाद फिर दाना खल्ली कितना देते हैं अगर हरा चारा आपके पास है? हरा चारा ऐसे तो एक प्रमाण है, 2 किलो दूध पर 1 किलो दाना खल्ली। जैसे जो गाय 20 लीटर दूध कर रही है उसको सुबह शाम से मिला के 10 से 11 किलो दाना खल्ली पड़ना चाहिए, जब हरा चारा आप नहीं दे रहे हैं तो। और हरा चारा आपके पास उपलब्ध है तो ये दाना खल्ली का मिश्रण 5 से 6 किलो में भी काम करता जी।